हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका नेफेलो ऑक्सैक्टिक रेशो। मैं इसको जनरली कहूँगी एनआर। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बीटा इज इक्वल टू बी डैश बाई बी। ओके, द रेशो ऑफ बी डैश बाई बी इज ऑल्सो नोन एज नेफेलो ऑक्सैक्टिक रेशो। तो इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, नेफेलो ऑक्सैक्टिक रेशो, और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ओके, the Nefelo oxactic ratio is a term used in the inorganic chemistry of transition matter। जो ये आपका Nefelo oxactic ratio है वो ये term use कहाँ होती है, inorganic chemistry में transition matter के लिए। if refers, ये refers क्या करती है, to a decrease in the Rucker inter electronic repulsion parameter। एंड वेयर बी डैश, जो आपका बी डैश वो क्या है, आपका एनर्जी डिफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपका बी डैश है वो आपका एनर्जी डिफरेंस है। एंड ये बी क्या है, बी है आपका रका पैरामीटर फ्री आयंस के लिए। ओके, मैं ये वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसमें डिस्कस करूंगी रका पैरामीटर होता क्या है। एंड बी डैश इज ऑलवेज लेस देन बी, दैट इज बीटा इज ऑलवेज लेस देन वन। जो आपका बी डैश है वो क्या होगा, हमेशा कम होता है किससे, बी से। तो इसका मतलब बीटा इज ऑलवेज लेस देन वन, वो हमेशा वन से कम होगा। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट करेक्टर की, तो वन माइनस बीटा इंटू 100। ओके, ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जो 2 मार्क्स का होता है, तो इतना सफिशियंट है लिखने के लिए। ओके, तो आपको पता चल गया नेफेलो ऑक्सैक्टिक रेशियो किसे कहते हैं, बीटा इज इक्वल टू बी डैश बाई बी। जो आपका बी डैश क्या है, आपका एनर्जी डिफरेंस है, एंड बी आपका रकर पैरामीटर है, और इसी रेशो को आप कहते हैं नेफेलो ऑक्सैक्टिक रेशो। ओके, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है।